भट्ठा संचालक पर लापरवाही का आरोप, ईंट भट्ठे में झोला छाप डॉक्टर से किशोर कराते रहे इलाज। कोरबा जिले की सीएसईबी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कोहरिया में फ्लाई ऐश ईंट भट्ठा है, जहां काम करने वाले मजदूरों में करतला के चिरा गांव का सुनील यादव नाम का एक युवक काम करता है, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताया जा रहा है। देर शाम तक सुनील कार्य कर रहा था। इस दौरान पैर के फिसलने पर पास रखे ड्रम का गर्म चूना पानी उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका पैर व अन्य हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन भट्ठा संचालन ने उन्हें मना करते हुए परिसर में बने झोपड़ियों में उसे रखने को कहा। वहीं उसका इलाज झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को कहा, जिसके बाद उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन राहत के बजाय किशोर के पैर में सूजन आने लगा। किशोर ने किसी तरह परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। सीएसईबी चौकी से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आहत किशोर को अस्पताल भिजवा कर भर्ती कराया, साथ ही उसका और अन्य मजदूरों का बयान दर्ज किया, जिस पर उन्होंने संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या हुआ, कैसे घटना हुई ये बताओ। हम 3 बजे टाइम खाना उना खाते चूना फूलो रहे थे भट्ठा में, फिर गया, फिर पोरी को पकड़ के उधर ले जा रहा था फुलाने के लिए, फिर पैर फिसल गया, फिर मैं गिर गया। किसमें गिर गए थे? टंकी में। क्या टंकी थी? वो चूना फुलाने वाला। फिर कौन निकाला आपको वहां पे? एक महिला थी, वो पकड़ी फिर निकाली, और मैं भी थोड़ा ताकत किया। तो कहाँ कहाँ झुलसा है आपका पैर में, कहाँ कहाँ आई, कहाँ कहाँ जले हो आप? कहाँ कहाँ मर जा रहे हैं? यहाँ पूरा, यहाँ से पूरा नीचे तक, कमर से नीचे तक। फिर कहाँ ले गया था तुमको इलाज कराने? कौन ले गया था? परव डॉक्टर के पास ले गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर सुई लगाया, मलहम भी दिया। फिर उसके बाद फिर भट्ठा गए, फिर मलहम को लगाया तो थोड़ा आराम मिले मेरे। तो भट्ठा ले जाके आपको छोड़ दिए थे? नहीं, दवाई लेने आए थे। घर वालों कब लेके आए अस्पताल? कब लेके आया आपको? सुबह टाइम। कौन लेके आया? मेरे घर वाले। तो उनको पहले घर वालों को सूचना नहीं दी गई थी कि आपके साथ ऐसा हुआ? तुरंत सूचना दी गई थी, लेकिन आ नहीं पा रहे थे ना, बहुत दूर है हमारे गांव तो। कहाँ है घर आप लोग का? चिरा। क्या उम्र होगी आपकी? 18 पहुंचने ही वाले हैं। और कितने लोग काम करते हैं आपके गांव से, क्षेत्र से? लगभग 5-6 जन होंगे।